प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। झाबुआ में होने जा रहे अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी आदिवासी, पिछड़ी और विशेष पिछड़ी जातियों को कई सौगातें भी देंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का बिगुल फूंकने जा रही है। पीएम मोदी के इस दौरे के जरिए पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेगी। पार्टी की कोशिश होगी कि इस कार्यक्रम की गूंज गुजरात, राजस्थान तक पहुंचे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। आदिवासी बेल्ट झाबुआ में वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ ही सूबे के आदिवासी बेल्ट से बीजेपी अपने महाअभियान की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी पिछड़ी, विशेष जनजाति और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। सूबे के मुखिया मोहन यादव पीएम मोदी के दौरे को शुभांकर बता रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा है और हम सबको मालूम है कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक तरह से उनकी पुण्यतिथि है। हम सब मान के चलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का आना शुभंकर रहेगा। पीएम मोदी यहां 7,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2,00,000 महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त जारी करेंगे। विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1,500 रुपये महीना दिया जाता है। पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार पत्र देंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गाँव के लिए 55,09,00,000 रुपए की राशि जारी होगी। प्रधानमंत्री झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए नल जल योजना का लोकार्पण भी करेंगे। झाबुआ में पीएम मोदी टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले ये विश्वविद्यालय छात्रों के समुचित विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। उधर कांग्रेस पूछ रही है, पीएम मोदी जब इतना कुछ दे रहे हैं तो उन्हें प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए आदिवासी पिछड़े क्यों हैं? जिस तरह से आदिवासियों का जनजाति उपयोजना का पैसा है, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है 207 करोड़, जो आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के लिए उपयोग होना था, वो पूरी तरह से दूसरे विभाग में दे दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सवाल सरकार से करना चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए या डबल इंजन की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जनजाति समुदाय वोट बैंक नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है, हम उनके सेवा, समृद्धि और विकास के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इसलिए उनके महापुरुषों का सम्मान का मसला हो, क्योंकि वो केवल उस समाज के, उस वर्ग के नहीं बल्कि पूरे देश के महापुरुष रहे हैं। उनके साथ भेदभाव उपेक्षा का काम कांग्रेस काल में हुआ। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में 56 अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें 6 आदिवासी समुदाय हैं, जिसमें भील, गोड, कोल, कुर्क, सहरिया और बैगा शामिल हैं। राज्य में आदिवासियों की अनुमानित संख्या 1,53,00,000 मानी जाती है। आदिवासी, पिछड़े, विशेष पिछड़ी जनजाति वोट बैंक को मजबूत करने पर जोर होगा। गुजरात सीमा से लगे आदिवासी बाहुल्य झाबुआ के एक दौरे से पीएम मोदी कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। झाबुआ में पीएम मोदी की सभा की आवाज गुजरात तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश होगी। वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि झाबुआ पर क्यों खास नजर है पार्टियों की, खास तौर से बीजेपी की। आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं, मतलब आरक्षित हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देश की कुल आदिवासी आबादी का 17.70% मध्य प्रदेश में है। ये एक बड़ी बात, 17% से ज्यादा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 1,50,00,000 से भी ज्यादा है। आदिवासी बाहुल इलाका है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी यहां पर रहते हैं। झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर अभी तक 18 चुनाव हुए। देखिए, 18 चुनाव हुए हैं झाबुआ आदिवासी सीटों पर। 14 बार कांग्रेस ने झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट जीती है और यही वजह है कि बीजेपी की नजरें हैं इन सीटों पर।
साल 2014-2019 में ये लोकसभा बीजेपी ने जीती थी। दो बार की मैं बात कर रहा हूं अभी तक। झाबुआ से मोदी की रैली का असर गुजरात राजस्थान तक हो, ऐसी कोशिश है बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बनाने की कोशिश यहां पर करते हुए गुजरात के दाहोद, छोटा उदयपुर, पंचमहल, महीसागर तक असर इसका होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है पीएम मोदी की रैली का। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले तक इसका असर होगा। मतलब कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है उसके असर की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान और गुजरात की कई सीटों पर इसका असर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक बार फिर से भुनाया जाए। और लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा जिस तरीके से बीजेपी दे रही है, 400 पार का नारा, ये एक मुश्किल टास्क तो है, लेकिन नजर आता है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने बड़े फैसले ले रही है उससे ये संभव भी हो सकता है।